अरे यार, ये नया साल आ गया है तो ऐसे अनाउंसमेंट करोगे? पिछले 2 दिनों में जितने अनाउंसमेंट्स हो गए हैं उतने शायद पिछले 3 महीने में भी ना हुए हों। ऐसा लगता है कि किसी ने बॉलीवुड का कंटेंट वाली टोटी खोल दी है कि बह जाओ और जितनों को अपने साथ बहा ले जाओ। बॉलीवुड की इतनी सारी अपडेट्स आई हैं कि सारे ही लोगों को डायरी में नोट करना पड़ रहा है कि फला फला हीरो की फिल्म फला फला दिन आ रही है। लेकिन अभी ट्रेलर्स का मौसम है। सबसे पहले शुरू करते हैं पठान की ट्रेलर से। तो इसका ट्रेलर 10 तारीख को रिलीज हो जाएगा। इसके ट्रेलर के लिए बैट, हॉकी, डंडा वंडा सब तैयार है, पोस्टर वोस्टर सब फट गए हैं। ऐसे में इसके ट्रेलर को कवर करने के लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि जाहिर से बात है कि नया हंगामा होगा ही, और हर हंगामे पर मजे लेने के लिए आपका भाई वैसे ही रेडी है जैसे दूल्हा घोड़ी चढ़ने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आया है गदर 2 से, जहां इसकी रिलीज डेट 11 अगस्त की लॉक की गई है। अब इस दिन एनिमल भी आ रही है। उस फिल्म में रणबीर कपूर और बॉबी देओल हैं। बड़े देओल और छोटे देओल का ये कंपटीशन तब होगा जब इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की लास्ट हिंदी मूवी कबीर सिंह थी। अब सबको मालूम है कि वो किस तरह की मूवीज बनाते हैं। वो थप्पड़ों में डील करते हैं और सनी देओल को चीरने का शौक है। याद है ना, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दोनों ही फिल्मों की ऑडियंस बहुत अलग है। लेकिन गदर के साथ आता है तारा सिंह का इनोसेंस और दूसरे हाथ में वो हैंडपंप जिसकी आज भी उस जमीन से ज्यादा इज्जत मार्केट में है जहां से वो उखाड़ा गया था। खैर, तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है कार्तिक आर्यन की शहजादा से, जो एक रीमेक है। अब रीमेक के साथ देखो, बात ये है कि छपे हुए माल को ऑडियंस ज्यादा देख नहीं पाती। अब ऑलरेडी घिसे हुए साबुन को दोबारा रगड़ने से तो चमड़ी छिलती है ना भाई। वैसे भी बॉलीवुड के रीमेक से ज्यादा आजकल मेरे मोबाइल की बैटरी चल जाती है, लेकिन कार्तिक आर्यन के तारे इस टाइम सबसे सही चमक रहे हैं। पहले भूल भुलैया 2, उसके बाद फ्रेडी, और अब यहां सक्सेस का स्वाद बंदे ने चख लिया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ये फिल्म भी शायद वो खींच ले जाए। चौथी बड़ी अपडेट है अजय देवगन की मैदान, जो कि फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जिनकी गाइडेंस में इंडियन फुटबॉल टीम ने 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अब इस फिल्म के साथ इतने डेट्स बदल गए हैं कि प्रोड्यूसर्स ने कैलेंडर के हर डेट को ही मार्क कर रखा है कि यहां मौका मिले वहां रिलीज कर देंगे। पहले ये जून में आनी थी, फिर अक्टूबर में गई, फिर दिसंबर में आई, उसके बाद जनवरी में आई, और अब इसकी रिलीज डेट 12 मई 2023 की लॉक की गई है। यानी इससे पहले अजय देवगन की भोला को फुल प्रमोशन मिलेगा, जो ऑलरेडी एक तमिल मूवी कैथी की रीमेक है। वहीं अगली अपडेट है शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की अमेज़न प्राइम रिलीज फर्जी की, जिसकी रिलीज डेट को लॉक कर दिया गया है। ओटीटी की दुनिया में नई एंट्री लेते हुए शाहिद भाई ने विजय सेतुपति का हाथ पकड़ा है। द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज एंड डीके की बनाई फर्जी 10 फरवरी को रिलीज हो रही है। ये भी एक क्राइम थ्रिलर होने वाली है। अब विजय सेतुपति स्क्रीन पर हो और क्राइम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में ये जोड़ी क्या कमाल करेगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, असली खबर ये है कि इस महीने की 20 तारीख को नंदमुरी बालकृष्ण की तेलुगु ब्लॉकबस्टर अखंडा हिंदी में रिलीज हो रही है। अब देखो, ये मूवी मैं ऑलरेडी तेलुगु में देख चुका हूं, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज्यादा थी। मगर ब्रो, इसका इंटरवल सीक्वेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमैक्स मास ऑडियंस को पागल कर देगा। अगर तुमको नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीजों पर आज भी भरोसा है, तो तुमको इसके सीन्स पर भरोसा हो जाएगा। अगर तुमको न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जैसी चीजों पर भरोसा है, तो तुम नंदमुरी बालकृष्ण के दम को भी मान लोगे। वैसे भी उनकी फिल्मों में साइंस और फिजिक्स उतनी ही दूर रहते हैं जितनी दूर धरती सूरज से है, फिर भी उनकी एक फैन फॉलोइंग है। मगर इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है महादेव का वो एसेंस जो अखंडा के रूप में देखने को मिलता है। मूवी कोई मास्टरपीस या विजुअल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जितना ऑफर करने को मिला था उसमें वो मजा देती है। बस दिमाग थोड़ा सा साइड रख देना, थिएटर में बहुत मजा आएगा, रिव्यू भी हम जरूर लाएंगे। खैर, इन अपडेट्स के साथ हॉलीवुड की भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन अब उनको लेने के लिए मैं अमेरिका जाऊं, इतने खर्चे नहीं करने हैं। बाकी आप हमारा सब्सक्राइब का बटन कवर कर लो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं जल्दी।